नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में से है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे 2017 थाउजेंड सेवेंटीन ए आई ए पी जी टी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराइए करके तो आज अपन सॉल्व करेंगे ए आई ए पी जी टी टू थाउजेंड सेवेंटीन एम डी एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर को और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाहे वो किसी भी स्टेट की पी एस एग्ज़ाम्स हो मेडिकल ऑफिसर के लिए या यू पी एग्ज़ाम्स हो ये सभी क्वेश्चंस कॉमन होते हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं साथ ही साथ फ्रेंड्स ए आई ए से लेकर के टू टू के सभी क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा चुकी हूँ इसके वीडियो आप लोग को मेरे चैनल में मिल जाएंगे साथ ही साथ मैं इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप लोग जा कर के उसे देख लीजिएगा तो ये आज का वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें टोटल हंड्रेड क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स अभी के पैटर्न चेंज हो चुके हैं अभी वन ट्वेंटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ टापीजीएस मसल्स एक्सेप्ट ठीक है ट्रैपीजियस मसल किससे अटैचमेंट नहीं होता है एक्सेप्ट पूछा है फ्रेंड तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं फर्स्ट रिप ऑक्सीपुट क्लाविकल एंड द स्कैपुला सो द राइट आंसर इज ऑप्शन वन फर्स्ट रिप ठीक है राइट आंसर इज ऑप्शन वन फर्स्ट रिप तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अपन तो इस डाइग्राम में देख सकते हैं अपन ऑरिजिन कहाँ पर हो रहा है ट्रेपीजियस मसल का बेस ऑफ द ऑक्सीपुट स्पाइनस प्रोसेस से एंड द इंसर्शन कहा हो रहा है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द क्लैविकल में ठीक है अपर ट्रैपीजियस मिडिल ट्रैपीजियस एंड द लोअर ट्रैपीजियस लेकिन इसका फर्स्ट रिप से कोई अटैचमेंट नहीं है तो राइट right आंसर क्या होगा फर्स्ट रिप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर टू एक्सटर्नल एंगल इज द लैंडमार्क फॉर लोकेटिंग द लेवल ऑफ जुगलर नॉच सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज जीफाइट प्रोसेस एंड द कॉस्टल मार्जिन ठीक है क्वेश्चन क्या है एक्स्टर्नल एंगल इज द लैंडमार्क ऑफ और द लोकेशन द लेवल ऑफ राइट आंसर क्या है इसका सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेस तो चलिए डाइग्राम में देखते हैं अपन तो ये एक नॉर्मल स्टर्नम का स्ट्रक्चर है देख सकते हैं इसमें तो क्या दिया गया है इसमें जुगलर है मैन्यूबर्नम स्टर्नम है अटैचमेंट साइट ऑफ द रिप है आर्टिकुलर साइट ऑफ द क्लैविका दिखाई दे रहा है एंड द आर्टिकुलर डेमी फेसेट फॉर द रिप सेकेंड स्टर्नल एंगल मैन्यूबर्नम स्टर्नम ज्वाइंट ठीक है तो ये जो पॉइंट है यही है सेकेंड कॉस्टल कॉटिलेज इस डायग्राम में भी देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है अपने स्टर्नम रीप सारे स्ट्रक्चर स्टर्नल नॉच है सबसे स्टार्टिंग में फिर है एंगल ऑफ लुइस है ठीक है उसके बाद है सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज यहीं से होता है एक्सटर्नल एंगल का लैंडमार्क स्टार्ट ठीक है ये दिखाई दे रहा है आप लोग को एक्सटर्नल एंगल सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज फिर अपर लोब मिडिल लोब एंड लोअर लोब दिखाई दे रहे हैं लंग के उसके साथ है मिड स्टर्नल लाइन है इसे अपन मिड स्टर्नल लाइन कहेंगे जो सेंटर में है फिर मिड क्लैविकुलर लाइन है उसके बाद एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है ठीक है तो ये स्ट्रक्चर ये डायग्राम से आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थ्री इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ द हार्ट इज ए सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी ओनली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ओनली Anterior part by the right coronary artery and the posterior part by the left coronary artery. And last one, anterior part by the left coronary artery and the posterior part by the right coronary artery. So the right answer is intraventricular septum of the heart is supplied by last one. Okay, anterior part by the left coronary artery and the पोस्टीरियर पार्ट बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी डायग्राम के थ्रू अपन हार्ट की ब्लड सप्लाई को समझ सकते हैं ठीक है लेफ्ट परमोनरी आर्टरी ऊपर दिखाई दे रहा है अपन को फिर लेफ्ट परमोनरी वेन है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ठीक है तो उसमें आंसर क्या दिया गया एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी ठीक है राइट कोरोनरी आर्टरी का पोस्टीरियर पार्ट एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के एंटीरियर पार्ट है ये सप्लाई करती है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को ठीक है तो इस डायग्राम से आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा साथ ही साथ और भी आर्टरीज हैं लेफ्ट सरकम्फ्लैक्स आर्टरी ठीक है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी डाइ डाइगोनल ब्रांचेस हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है राइट मार्जिनल आर्टरीज हैं राइट एट्रियम है ये ठीक है ये राइट right वेंट्रिकल्स ये लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स ठीक है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा लेफ सुपीरियर बैनाकेवा एरोटा सारे स्ट्रक्चर इसमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर हिपेटोपेंक्रियाटिक डू बीच पार्ट ऑफ द डिओडिनम फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट तो इसका आंसर तो आप सभी को अच्छे से पता होगा हिपेटोपेंक्रियाटिक डन इंटू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम तो चलिए डायग्राम में देखते हैं इसे भी इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं लीवर है गॉल ब्लेडर है ठीक है लीवर में भी दो पार्ट में है राइट हिपैटिक डक्ट एंड द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट फिर है कॉमन हिपैटिक डक्ट ठीक है ये डायग्राम में देखिए लीवर है ये इसमें राइट हिपेटिक डक्ट लेफ्ट हिपैटिक ड कॉमन हिपैटिक डग सिस्टिक डक्ट फिर है कॉमन बाइल डक्ट तो ये कहाँ पे ओपन हो रहा है सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम ये फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम का ये सेकेंड पार्ट है डिओरिनम का ठीक है तो राइट आंसर क्या है सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम हिपेटोपेंक्रियाटिक डू सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम साथ ही साथ अपन को और क्या दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में गॉल ब्लैडर है स्पिंक्टर ऑफ ऑडी एम्पुला ऑफ वेटर पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियास एंड द डिओडिनम ठीक है फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट एंड थ्री पार्ट से ना डिओडिनम के ये फर्स्ट पार्ट ये सेकेंड देन थर्ड ठीक है तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम में ओपन होता है तो ये बहुत ही सुंदर सा कलरफुल डायग्राम में भी अपन देख सकते हैं ठीक है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में ओपन हो रहा हिपेटो ठीक है हिपेटो पेंक्रियाटिक डी है हिपैटिक डक सिस्टिक डक सभी चीज़ें इसमें क्लियर दिखाई दे रही हैं अपन को गॉल ब्लैडर इंटेस्टाइन ठीक है तो सारे स्ट्रक्चर इसमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं हिपैटिक डक्ट है सिस्टिक डक्ट है कॉमन बाइल डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाज गॉल ब्लैडर है एंड देन इंटेस्टाइन एंड हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन इन टू सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फाइव Bone divide of muscles attachment is option cuboid, cuneiform, navicular and the talus. So, the right answer is option 4 talus. Bone divide of muscles attachment is talus. Next question friend question number 6. Both glomerular filtration rate and the renal plasma flow are increased by constriction of the efferent arterioles, dilatation of the efferent arterioles. डायलिटेशन ऑफ द अप्रेंट आर्ट्रियोज एंड द हाइपोप्रोटीनिमिया सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री डायलिटेशन ऑफ द अप्रेंट आर्ट्रियोज नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ई सी जी दैट रिप्रेजेंट कम्प्लीट डिपुलराइजेशन ऑफ बैंट्रिकल इज पी आर इंटरवेल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एस टी सेगमेंट एंड द टी वे क्वेश्चन क्या है आइसो पार्ट ऑफ द ईसीजी दैट रिप्रेजेंट कंप्लीट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स ठीक है डीपोलराइजेशन मतलब सिकुड़ जाना पूरी तरीके से डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये करता है एस टी सेगमेंट को राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री एस टी सेगमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर एट पल्स प्रेशर इज़ हाईएस्ट प्रेशर मेजर्ड इन द आर्टरीज लोएसट प्रेशर मेजर्ड इन द आर्टरीज डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंप्लेंस ऑफ आर्टरीज ऑप्शन फोर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम पल्स प्रेशर इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है देखिए राइट आंसर यही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट ट्रू अबाउट द रॉड्स ऑफ रैटीना ऑप्शन रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू लो इंटेंसिटी लाइट एज कम्पेयर टू कॉन्स रॉड्स एडॉप्ट टू डार्कनेस बिफोर द कॉन्स रॉड्स आर मोस्ट कंसनट्रेटेड ऑन फोबिया एंड द रॉड्स आर इन द कलर विज़न सो द राइट आंसर इज राइट आंसर इज ऑप्शन रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू लो इंटेंसिटी लाइट एज कंपेयर टू द कॉन्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर टेन वाइल स्पिनिंग टू द लेफ्ट द आईज ऑफ डांसर स्नैप क्विकली टू द लेफ्ट दिस फास्ट आई मोमेंट इज ए नोन एज ए एफेजिया नाइस्टिगमस एंड द एपरेगिया सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री नाइस्टिगमस ठीक है वाइल स्पिनिंग टू द लेफ्ट द आईज ऑफ ए डांसर स्नैप क्विकली टू द लेफ्ट दिस फास्ट आई मोमेंट इज ए नोन एज नाइस ठीक है राइट आंसर नाइस ही दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन द प्रोटीन कैसिन इज ए प्रेजेंट इन द मिल्क इन फॉर्म ऑफ ऑप्शन क्या क्या दिया कैल्शियम कैसिनोजिनेट लेक्टो एल्बोमिन लेक्टोग्लोब्यूलिन एंड द लैक्टोज तो कैसिन किस फॉर्म में रहता है मिल्क में कैल्शियम कैसिनोजिनेट राइट आंसर इज ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नंबर ऑफ ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस ड्यू टू द इल हेल्थ डिसेबिलिटी और ईयरली डेथ इज ए डिफाइंड एज एल हेल्थ एडजस्टमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्विटी क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स डेली डिसबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स एंड द सविलियन सेलिवियन इंडेक्स सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री डेली डी ए एल वाई डिसबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स ठीक है नंबर ऑफ़ द ईयर्स हेल्थी लाइफ लॉस ड्यू टू दिल हेल्थ Disability or early death is defined as a daily. Next question is question number 13. The standard references insecticide, aerosol, space spray recommended by the WHA consists of pantheon, pyrethrum, rostanone and the Abit abate. So the right answer is option 2, pyrethrum. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वेरिएबल इन कुप्पा स्वामी स्केल्स फॉर द मेजरिंग ए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है क्या ऑक्यूपेशन फैमिली इनकम या टाइप ऑफ हाउस ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ए नॉट वेरिएबल ठीक है नॉट पूछा है तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कुप्पा स्वामी स्केल फॉर द मेजरिंग ए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो एजुकेशन ऑक्यूपेशन एंड द फैमिली इनकम को इंक्लूड किया गया लेकिन टाइप ऑफ हाउस इंक्लूडेड नहीं है तो राइट right आंसर क्या है ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इंडिकेटर ऑफ वसिस ऑफ डिसीजिज इंसीडेंस रेट प्रीविलस रेट केस फैटिलिटी रेट एंड द मोटिलिटी रेट सो द राइट आंसर इज केस फैटिलिटी रेट ठीक है इंडिकेटर ऑफ वसिस ऑफ डिस केस फैटिलिटी रेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मार्क्स कैन बी रिकोगनाइज इवन इन द डिकम्पोज बॉडी बाय द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इन एपिडर्मिस हेयर मसल्स एंड द लिम्फ नोट ठीक है मार्क्स डेथ के बाद या बॉडी के डिकम्पोज होने के बाद ही प्रेजेंट रहता है वो किस कारण से है वो है लिम्फ नोट की वजह से राइट आंसर इज ऑप्शन फोर ठीक है क्वेश्चन क्या है टैटोमार्क्स कैन बी रिकोगनाइज इवन इन द डिकम्पोज बॉडी बाय द प्रेजेंस ऑफ लिम्फ नोड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन स्पीड्स बॉल आर प्रिपेयर फ्रॉम केनाबिस हीरोइन एंड कोकीन पेथाइडीन एंड द लाइसरजिक एसिड डाई जिसे कि अपन एल भी कहते हैं ठीक है तो क्या है स्पीड बॉल किससे प्रिपेयर किया जाता है हीरोइन एंड कोकीन से इसको मिक्स करके ये स्पीड बॉल तैयार किया जाता है किसी को मर्डर करने के लिए भी ये यूज़ किया गया है कई बार फॉरेन कंट्रीज़ में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ठीक है स्पीड बॉल से प्रिपेयर करके हीरोइन एंड कोकिंग बना के मिक्स करके स्पीड बॉल्स बनाया जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन ठीक है एटीन इयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट प्रेजेंटेड विथ एरिथ्रेमेटस इचिंग लीज़न ऑन द रिस्ट ऑन एग्जामिनेशन पेप्यूल एंड वेसिकल्स वे आर नोटेड इन द बैंड लाइक ए पैटर्न अराउंड द रिस्ट अलॉन्ग द अलॉन्ग विथ ओजिंग द मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस ठीक है क्वेश्चन क्या है फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार फोटीन ईयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट है प्रेजेंटेड विथ इरीथ्रमेट ईचिंग लीजन ऑन द रिस्ट ठीक है रिस्ट में जहाँ पे अपन वॉच पहनते हैं वहाँ पर उसको एरीथ्रेमेटस ईचिंग लीजन प्रेजेंट हो गया है साथ ही साथ अपन एग्जामिन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा पैप्यूस एंड वैसाइकल्स ठीक है बैंड अराउंड द पैटर्न इन द रिस्ट एलॉन्ग विथ ओजिंग उसमें से भी डिस्चार्ज भी हो रहा है पेप्यूल वेसिकल्स विथ ओजिंग द मोस्ट प्रवर् डायग्नोसिस क्या हो सकता है सिबोरिक डर्मेटाइटिस हर्पीज सिम्प्लेक्स कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस एंड द अटिकेरिया तो मोस्ट प्रवर्ली उसको कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है वॉच पहनने की वजह से हो सकता है रिस्ट वॉच ठीक है उसकी वजह से कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ए फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड गर्ल गे हिस्ट्री ऑफ वेल डिफाइंड इस्मॉलॉल सर्कुलर पिंक स्केले लीजन ऑन दर बैक फॉलोड बाई वाइड स्प्रेड पेपिलो स्ोमस इरपशंस टिपिकली अरेंज इन सिमेट्रिकल ट्री लाइक ए पैटर्न ऑन ट्रंक देअर वॉज नो लिम्फ नो डॉजमेंट एंड नो औरल लीजन द मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस क्या क्या है फिफ्टीन ईयर ओल्ड गर्ल है ठीक है उसके बैक साइड में स्मॉल सर्कुलर पिंक स्केलीजन है और साथ ही साथ वाइड स्प्रेड मैकुलोस्योम इरप्शन है टिपिकली अरेंज है और किस पैटर्न में है ट्री लाइक -like पैटर्न में है बैक ऑफ ट्रंक में ठीक है और कोई लिंप नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना इलार्जमेंट है साथ ही साथ कोई ओरल लीजन नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं देखते हैं अपन ऑप्शन है टीनिया वर्सिकुलर पिट्रियास रोजिया लिंकन प्लानस एंड द पम्पिंगस सो क्या हो सकता है पिट्रियासिस रोजिएसा राइट आंसर इज ऑप्शन टू इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर मैक्यूलो पैपुलर लीजन दिखाई दे रहा है बैक ऑफ द ट्रंक में और ट्री पैटर्न में है ठीक है तो ये डायग्राम के थ्रू अपन समझ सकते हैं पेट्रियासिस रोजियस को नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ए फिफ्टी सिक्स ईयर ओल्ड डायबिटिक एंड हाइपर मेल सडनली डिवलप वीकनेस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हिज फेस अलॉन्ग विद द वीकनेस ऑफ द राइट आर्म एंड लेग्स ही ऑल्सो हैज़ ए डिप्लोपिया ऑन लेफ्ट लेटरगेज आइडेंटिफाई द साइट ऑफ लीजन राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्ट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्ट्रीम राइट सेरिब्रल हेमिसफियर एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिसफियर ठीक है तो किस साइड में उसको प्रॉब्लम हो सकती है तो लीजन हो सकता है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्ट्रीम ठीक है फिफ्टी सिक्स ईयर ओल्ड है उनको डायबिटीज भी है साथ में हाइपर टेंसिव हैं बी पी एंड शुगर की प्रॉब्लम है क्या हो रहा है उनको वीकनेस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ हिज फेस में वीकनेस उनको फील हो रहा है लॉन्ग विथ द वीकनेस ऑफ द राइट आर्म एंड लेग में लेफ्ट साइड ऑफ फेस में प्रॉब्लम हो रही है उनको वीकनेस फील हो रहा है एंड द राइट साइड ऑफ़ द आर्म एंड लेग में वीकनेस फील हो रहा है उसी के साथ साथ ठीक है दोनों अपोजिट है लेफ्ट फेस में एंड द राइट आर्म एंड लेग में ही ऑल्सो हैज़ ए डिप्लोपिया ऑन द लेफ्ट लेटर गेज आइडेंटिफाई द साइट ऑफ रिजन तो साइट ऑफ रीजन क्या हो सकता है लेफ्ट साइड ऑफ़ द ब्रेन स्ट्रेम हो रहा है इसलिए राइट साइड ऑफ़ द लेग एंड आर्मे ही हो रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है इस तरह से आप याद कर सकते हैं साथ ही साथ सेम साइड में लेफ्ट साइड ऑफ फेस में वीकनेस भी फील हो रही है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ए फिफ्टी फाइव ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विथ रिपेटिटिव सीवियर पेन फ्रॉम द ब्रीफ ड्यूरेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस विथ स्टार्टेड आफ्टर द एक्सपोजर टू कोल्ड नो अदर सिम्टम और फिजिकल साइन वे आर प्रजेंटेड द मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस टेम्पोरल आरटाइटिस ट्राइजमाइनल न्यूरेजिया माइग्रेन एंड टेंशन हेड एक टेंशन हेड एक ठीक है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको ठीक है फिफ्टी फाइव ईयर ओल्ड फीमेल है उनको रिपीटिटिव सीवियर पेन हो रहा है एक ब्रीफ ड्यूरेशन के टाइम में ठीक है एक ब्रीफ ड्यूरेशन में होना राइट साइड ऑफ द फेस में रिपीटेटिव फेस में उनको पेन हो रहा है ठीक है किस वजह से स्टार्टेड आफ्टर द एक्सपोजर टू कोल्ड जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है उनको फेस में राइट right साइड में एक ड्यूरेशन में फिक्स ड्यूरेशन के बाद उनको पेन हो रहा है नो अदर सिम्टम और फिजिकल साइन नहीं दिखाई दे रहे हमको तो क्या हो सकता है इनको ट्राई जमाइनल नूरेल्जिया हो सकता है राइट साइड ऑफ द फेस में एक फिक्सड पीरियड के बाद सीवियर पेन हो रहा है एक्सपोजर टू कोल्ड तो उनको ट्राई जमाइनल नूरेल्जिया की प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है राइट आंसर इज ऑप्शन टू ट्राई जमैनल निरेंजिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट द फीचर ऑफ ग्रेव डिसीज ग्वाइटर विद ब्रूट साइनस ब्रेडिकार्डिया एक्जोथेलमस एंड द आर्टियल फिब्रिलेशन तो ग्रेव डिसीज जिसे कि अपन हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है देखिए ग्वाइटर तो होता ही है इन ऑफ द नेक ठीक है थायरॉइड ग्लैंड में इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा एग्जोथेलमस भी हो सकता है होगा ही ठीक है आंखें बाहर प्रोट्यूट हो जाती हैं एंड एटर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी लेकिन साइनस ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा इसमें पेशेंट को ट्रैकि की प्रॉब्लम होती है ब्रेडिकार्डिया नहीं देखने को मिलेगा इसमें ठीक है नॉट द फीचर ऑफ द ग्रेव डिसीज़ तो चलिए डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इस डायग्राम के थ्रू अपन समझ सकते हैं ग्रेव डिसीज़ के बारे में इसमें सिम्टम देखिए एग्जोथेलमस दिखाई दे रहा है फेस में आइस प्रोट्यूड हो जाती है बाहर निकल आती है ग्वाइटर देखने को मिलेगा अपन को ठीक है एक्जोथैलमस ग्वाइटर एंड आर्थ एरेमिया एंड ट्रैकी कार्डिया है ठीक है ये देखिए एक्जोथेलमस ग्वाइटर रहेगा लेकिन इसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया नहीं है एरेधमिया ट्रैकी कार्डिया है साथ ही साथ नोजिया एंड डायरिया ऑलिगो में फीमेल्स में ठीक है स्वेटिंग देखने को मिलेगा हेड एक वेट लॉस नर्वसनेस इमोशनल इंस्टेबिलिटी ये सारे सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे साथ ही साथ मसल्स वीकनेस एंड ट्रेमर रहेगा तो ये डायग्राम के थ्रू आप लोग सारे सिम्टम इनके साथ ही साथ याद कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि ग्रेव डिसीज के सिम्टम क्या क्या है क्या क्या नहीं रहते हैं उसमें तो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्ट विथ नॉन प्रोलीफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एक्सेप्ट ठीक है विथ नॉन प्रॉलीफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एक्सेप्ट इसमें से कौन सा नहीं होगा माइक्रो एनोरिज्म ब्लॉट हेमरेज कॉटन वोल स्पॉट एंड द न्यो वेस्कुलराइजेशन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फॉर न्यो वैस्कुलराइजेशन नहीं होगा ठीक है नॉन प्रोलीफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में ये सिम्टम को देखने को नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बम्बो स्पाइन इज ए सीनिंग ठीक है इसका आंसर तो आप लोग को पहले ही बन गया होगा बम्बो स्पाइन किस में देखने को मिलेगा अपन को क्या क्या ऑप्शन है एनकोलाइजिंग स्पॉन्डेलाइटिस ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन पैगट डिजीज एंड द ऑस्टियोपोरोसिस सो द राइट आंसर इज एनकोलाइजिंग स्पॉन्डेलाइटिस में अपन को बम्बो स्पाइन दिखाई नहीं देगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव Malabsorption result from the intolerance of the wheat gluten and the similar protein found in the rays and barley is seen in kya kya option hai? short bowel syndrome, tropical sprue, celiac disease and the whipple disease. Okay. Malabsorption re resulting from intolerance to wheat gluten and the similar protein found in the rice and barley is seen in celiac disease. Right answer is option 3. ठीक है देखिए सिलेक्ट डिस से राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स रैपिड यूरियस टेस्ट इन द केस ऑफ पैप्टिकल सर इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन विथ हेलिकोबैक्टर पैलोरी एंड टेमिबा हिस्टोलिका सेलेमोनेला टाइफाई एंड द सिगेला बॉडी आंसर मैं आप लोग को पहले से इसलिए नहीं दिखा रही हूँ ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकें एक वाइट पेपर लीजिए और उसमें अपने आंसर खुद से ही बनाते जाइए कि आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस हो पाई है ठीक है जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ आप लोग आंसर खुद से बनाने की कोशिश कीजिए आंसर तो आप लोग को आगे पता चल जाएगा और इस तरह से आप लोग को ही पता चल जाएगा कि आप लोग की प्रैक्टिस या मेहनत किस लेवल पर है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखते हैं रैपिड यूरियस टेस्ट इन केस ऑफ पैप्टी कल्सर इज इट डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन विथ हेलिकोबैक्टर पैलोरी एंड टेमेबा हिस्टोलिका सालेमोनेला टाइफाई एंड द सिगेला बॉडी तो राइट आंसर क्या आप लोग अपना नोट करते जाइए तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन वन हेलिकोपेक्टर पायलोरी रैपिड यूरियस टेस्ट इन केस ऑफ पैप्टिकल सर इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन विथ हेलीकोपेक्टर पायलोरी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ क्लबिंग एक्सेप्ट ठीक है इन सब में क्लबिंग दिखाई देता है लेकिन वो कौन सा है जिसमें क्लबिंग नहीं होता है वो पूछा गया क्वेश्चन में नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर फाइब्रोजिंग लंग डिसीज आयरन डेफिशियंसी एनीमिया एंड द सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डियाटिस तो राइट right आंसर आप लोग नोट डाउन कीजिए अगर आप लोग को आंसर पता हो तो राइट right आंसर क्या है आयरन डेफिशियंसी एनीमिया में अपन को क्लबिंग ऑफ फिंगर नहीं दिखाई देगा ठीक है एक्सेप्ट पूछा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग बाकी सभी में क्लबिंग ऑफ फिंगर्स दिखाई देंगे ठीक है देखिए राइट आंसर आयरन डेफिशियंसी एनीमिया चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू क्रॉनिक किडनी डिसीज इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है इन क्रॉनिक किडनी डिसीज के लिए डिस्टर्बेंसेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबोलिज्म आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इन एडवांस्ड स्टेज यूरिया एंड क्रिएटिनिन आर रेज्ड एनीमिया इज अ रेयर फिनोमिना एंड द हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज मे लाइटर्स आर वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज तो राइट आंसर क्या है राइट right आंसर है एनीमिया इज अ रेयर फिनोमिना ठीक है राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री एनीमिया बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिसीज की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है बाकी स्टेटमेंट इसके लिए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन मै इज द फॉलोइंग ठीक है मैज द फॉलोइंग के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया फ्रेंड्स तो उस उसमें जा के आप लोग देख सकते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और अभी या ये आई ये पी वाले में बहुत सारे क्वेश्चन मैज द फॉलोइंग के पूछे गए थे और ये सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है क्वीकर साइन ड्रोजियर साइन डी मोसेट साइन एंड द साइड है पीमोरल ब्रूट हैड नोडिंग विथ पल्स कैपिलरी पल्सेशन इन नेल बेड तो क्वीकर साइन में क्या देखने को मिलेगा अपन को ऑप्शन ए मैच विद द ऑप्शन थ्री कैपिलरी पल्सेशन इन नेल बेड फिर है डिरोजिज साइन है फीमोरल ब्रूट एंड द डी मूसेट साइन है हेड होडिंग विद द पल्स थ्री वन टू ठीक है राइट आंसर क्या है थ्री वन टू देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल रिगार्डिंग द सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से, इस से रॉन्ग है ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है क्या पेनफुल वॉसो अकलोजिव क्राइसिस इलेक्ट्रोफोरोसिस डिमोनस्ट्रेटेड द प्रीडोमिनस ऑफ द एच बी एस एंड द्लिनिक इन्फॉक्शन अपने आंसर नोट डाउन कीजिए आप लोग क्या हो सकता है और आप लोग हंड्रेड में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ये भी आप लोग को पता चल जाएगा इसमें ठीक है किस लेवल पर आप लोग की तैयारी है तो राइट आंसर क्या है ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है सिकल सेलनिया क्या है ठीक है ऑटोजोमल डिसीज है ऑटोजोमल इनहेरिट इनहेरिटेंस नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फीचर ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सारे फीचर्स आप लोग को याद होंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के क्या क्या हैं हिमेचोरिया पॉली यूरिया एडिमा एंड हाइपरटेंशन इसमें से कौन सा नहीं है ठीक है नॉट ए फीचर आप पूछा है तो इस पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में तो कौन सा इसमें नहीं है पॉली ऑली यूरिया इसमें नहीं देखने को मिलेगा हिमेचोरिया एडिमा एंड हाइपरटेंशन नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है फिर से अपन को मैच करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द फॉलोइंग एक साइड है विटामिन और उनके सारे डिसीज ठीक है विटामिन ए विटामिन बी ट्वेल्व थाइमिन एंडनियासिन सेकेंड साइड है क्रॉसकॉफ साइकोसिस विटॉट स्पॉट्स कैसेल नेकलेस डर्मेटाइटिस एंड द सब एक्यूट डिजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ठीक है तो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है बिटॉट स्पॉट विटामिन बी ट्वेल्व से सब एक्यूट डिजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थाइमिन की डेफिशिएंसी से क्रॉसकॉफ साइकोसिस एंड एंडियासिन से कैसकेल नेकलेक नेकलिक्स डर्मेटाइटिस ठीक है टू फोर वन थ्री ऑप्शन ए मैच विथ टू बी मैच विथ फोर सी मैच विथ वन एंड द डी मैच विथ द थ्री ठीक है तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ लेप्रोमेटस लेपरेसी एक्सेप्ट ठीक है सभी लेप्रोमेटर्स लेप्रेसी के फीचर हैं इनमें से कौन सा एक है जो इसका फ़ीचर नहीं है ये पूछा है तो देखते हैं क्या क्या फीचर हैं इसमें वाइड स्प्रेड नोड्यूल्स एंड इन्फिल्ट्रेशन लॉस ऑफ आईब्रो लेट नर्व इलाजमेंट एंड डैमेज एंड द जीरो बैक्टीरियल इंडेक्स तो इसमें से वन टू एंड थ्री सभी फ़ीचर हैं लेकिन नंबर फोर ज़ीरो बैक्टीरियल इंडेक्स ये इसके फीचर के अंतर्गत नहीं आता है ठीक है वाइड स्प्रेड नोड्यूल्स एंड इन्फ़िल्ट्रेशन देखने को मिलेगा लॉस ऑफ आईब्रो लेट नर्व इन्लार्जमेंट एंड द डैमेज ठीक है ये सारे सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ट्रॉपिकल परमोनरी स्नोफिलिया इज ए कॉज बाय वाइचूरिया बैनक्रॉफ्टी प्लाज्मोडियम फैसिफेरम कॉगजीलिया ब्रोनेटी एंड द सालेमोनी टाइफाइड तो अपने आंसर नोट डाउन कर लीजिए आप लोग राइट आंसर क्या होगा ट्रॉपिकल परमोनरी स्नोफिलिया इज ए कॉज बाय ऑप्शन वन बैनक्राफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर मैनिफेस्टेशन अंडर द जॉन्स क्राइटेरिया फॉर द रोमैटिक फीवर ठीक है कौन सा मेजर मैनिफेस्टेशन है जॉन्स क्राइटेरिया फॉर द रोमैटिक फीवर फीवर रेस्ड ई एस आर लीकोसाइटोसिस या इरिथ्रिमा मार्गिनेटम सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर ठीक है ये मेजर मैनिफेस्टेशन इन जॉन्स क्राइटेरिया में इरिथ्रिमा मार्गिनेटम इसके थ्रू अपन रोमैटिक फीवर को कन्फर्म कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ लोअर मोटार न्यूरॉन डिसऑर्डर एक्सेप्ट फैसिकुलेशन प्लेसिडिटी स्पासिटी स्पासिटी एंड द मसल्स वास्टिंग तो इसमें से कौन सा फीचर लोअर मोटार न्यूरोन लीजन में नहीं देखने को मिलता है तो है स्पासिटिडी राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन एक्सक्लेमेशन मार्क्स हेयर आर पैथोगेनोमिक साइन ऑफ हाइपर हाइपर ट्राइकोसिस एलोपेशिया एरिएटा एंडोजेनिक एलोपेशिया एंड द लिकोटोरिया लिकोटोरिचिया सो द राइट आंसर इज़ ये मार्क्स अपन को कहाँ देखने को मिलेगा मेनली एलोपेशिया एरिएटा में राइट आंसर इज ऑप्शन टू ठीक है साथ साथ आप लोग अपने खुद के भी आंसर टिक करते जाइएगा तो प्रैक्टिस होती जाएगी आप लोग की और इस तरह से आप लोग के समझ में आएगा कि किस लेवल पे है तैयारी ठीक है आप लोग की तैयारी तो ऐसे काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि इतने समय से रीड करते आ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच और द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ मेनोपॉज ठीक है सीरम एफ एस एच एंड एल एच लेस देन फोर्टी एम आई यू एम एल पर थ्री हंड्रेड कंसिक्यूटिव वैल्यूज एट वीकली इंटरवेल ओजाइनल साइटोलॉजी शोइंग द मैचुरेशन इंडेक्स ऑफ द लिस टेन बाई एटी फाइव बाई फाइव सजिस्ट्री ऑफ लोअर स्ट्रोजन एंड द सीरम स्टोडियल लेस देन ग्रेटर देन ट्वेंटी पी जी पर एम एल तो इसमें कौन कौन से फीचर हैं तो इसका राइट आंसर क्या दिया है राइट आंसर है ऑप्शन फोर ए बी सी ठीक है ए बी सी तीनों इसके सही हैं तीनों फीचर इसमें प्रेजेंट रहेंगे मेनोपॉज के टाइम में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल इन द प्राइमरी साइट ऑफ पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस ओवरी फैलोपियन ट्यूब यूट्रस एंड द सर्विक्स प्राइमरी साइट ऑफ पैल्विक डोसिस सबसे पहले अपन कहाँ देखने को मिलेगा सभी को पता है फैलोपियन ट्यूब में नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी रेट्रोग्रेड मैंशन इज द फीचर ऑफ डिसफंक्शनल यूटर एंड ब्लीडिंग इंडोमैट्रियोसिस पोस्ट मैनोपोजल ब्लीडिंग या एडिनोमायोसिस क्या कहेंगे इसे रेट्रोग्रेड मैंस्यूरेशन को जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए तो राइट आंसर क्या है इसका डिसफंक्शनल नहीं नहीं इंडोमेट्रियोसिस राइट आंसर इज ऑप्शन टू कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग ठीक है रेट्रोग मैंशन है इज द फीचर ऑफ एंडोमेट्रियोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज नॉट ए फीचर ऑफ पॉलिस ओवेरियन सिंड्रोम ठीक है पोलिस ओवेरियन सिंड्रोम का फीचर नहीं है एनोवल्यूशन हाइपर ग्रोनेडोजेनिज्म डिक्रीज एल एच एफ एस एच रेशियो एंड द मोर देन टवेल्व पेरीफेरली अरेज सिस्ट टू टू नाइन एम एम इन ओवरीज ऑन सोनोग्राफी तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री डिक्रीज एफ एस एच एंड एल एच रेशियो नहीं रहेगा ठीक है नॉट ए फीचर ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसमें अपन को इनक्रीज मिलेगा इस कंडीशन में एंड ओल्यूशन मतलब ओबलूशन नहीं होगा हाइपरगोनेटिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ठीक है तो ये सारे सिम्टम इसमें प्रेजेंट रहेंगे लेकिन डिक्रीज एफ एस एच एंड एल एच रेशियो नहीं रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू ए थर्टी टू ईयर ओल्ड मल्टीपेरा प्रेजेंटेड विथ थर्टी टू वीक गेशन मिड माइल्ड बजाइनल ब्लीडिंग एंड एबडामल पेन ऑन एग्जामिनेशन हर ब्लड प्रेशर वॉज वन फिफ्टी बाई हंड्रेड एम एम ठीक है एब्डोमेन वॉज टेंडर टेंस एंड द हार्ट फीटल हार्ट साउंड वे आर ऑडिबल ऑन वजाइनल एग्जामिनेशन प्रेजेंटा वॉज नॉट फिल्ड इन द लोअर सेगमेंट द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज क्या हो सकता है ठीक है थर्टी टू ईयर्स ओल्ड मल्टीपेरा है मल्टीपेरा लेडी है मीन्स उसके बेबी और भी हो चुके हैं पहले उसको थर्टी टू वीक ऑफ प्रेगनेंसी गेस्टेशन है माइल्ड वजनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है साथ ही एबडॉमनल पेन हो रहा है ब्लड प्रेशर कितना है वन फिफ्टी बाई हंड्रेड मिली एम एच जी है एबडॉमन वॉस टेंड टेंडर है छूने पे हार्ड है फिटल हार्ट अपन को सुनाई नहीं दे रहा है ऑन वजैनल एग्जामिनेशन प्लेजेंटा भी अपन को फेल्ट नहीं हो रहा है तो मोस्ट प्रोबली क्या हो सकता है लेडी को प्लेजेंटा प्रीविया एबैटो एबॉटियो प्लेजेंटा प्री टर्म लेबर या

एंड द मिनिमल स्कारॉलोइंगीचर ऑफ हिलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होगा द्रेनुलेशन कॉन्ट्रेक्शन एंड दिलाजेशन राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है The coccyx on examination hairs were seen projecting from the sinus. Most likely diagnosis is hemorrhoids, anal fissure, pilonidal sinus and the hereditary separative. The right answer is pilonidal sinus. A 20 to 28 years old male presented with discharging opening in the natal cleft overlining the coccyx. On examination hairs were seen projecting from the sinus. मोस्ट लैकली डायग्नोसिस पिलोनाइडल साइनस तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा ठीक है ये क्या होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी ए फोर्टी ईयर्स मेल प्रेजेंटेड विथ सडन ऑनसेट ऑफ बी गैस्ट्रिक पेन रेडेटिंग टू द बैक विद द रिपीटेड वॉमिटिंग एंड हिकअफ ऑन एग्जामिनेशन पल्स वॉस हंड्रेड पर मिनट ब्लड प्रेशर नाइन्टी बाई सिक्सटीन एम एम ऑफ एच जी एंड द ब्लूज डिस्कलेशन ऑफ द फ्लाइंक एंड दमलाइकस द एबडोम वॉज डिस्टेंडेड एंड टेंडर विच ब्लड इन्वेस्टिगेशन शुड बी परफॉर्म इन द केस टू कन्फर्म द एक्यूट पेंकेटाइटिस वो कौन सा टेस्ट है कन्फर्म करेगा कि पेशेंट को एक्यूट पेंकेटाइटिस की प्रॉब्लम है ठीक है फोर्टी ईयर्स मेल है उसको सडनली इपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है पेन रेडिएट करता है बैक साइड में साथ ही साथ पेशेंट को वॉमिटिंग एंड हीकअप भी होता है एग्जामिनेशन के दौरान पता चलता है कि पेशेंट का पल्स हंड्रेड पर मिनट है ब्लड प्रेशर भी डाउन हो गया है पल्स रेट भी डाउन हो गया है साथ ही साथ ब्लूज डिस्कलेशन फ्लाइंग के नमलाइकस में दिखाई दे रहा है ठीक है एंड एबडामन क्या है डिस्टेंडेड है एंड टेंडर है तो अपन इसको अपन एक्यूट पेंकेटाइटिस के सिम्टम मान सकते हैं तो वो कौन सा इन्वेस्टिगेशन है वो पर शुड बी परफॉर्म टू दिन द केस ऑफ कन्फर्म acute pancreatitis ये क्वेश्चन पूछा गया है तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं क्या है ट्रोपोनिन सीरम एमाइलेस क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस्टेस जिसे कि अपन सी पी के कहते हैं एंड द एसिड फॉस्फेटेस तो कौन सा है वो जो एक्यूट पेंकीटाइटिस को कन्फर्म करेगा पैसा क्या है, है? सीरम एमाइलेस ये कन्फर्म करेगा कि पेशेंट को एक्यूट पेंकेटाइटिस की प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स साथ साथ आप लोग अपना ऑप्शन टिक करते जाइएगा कौन सा राइट आंसर है इसलिए मैं आप लोग को आंसर पहले से नहीं दिखा रही हूँ ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स एक फोर्टी ईयर्स ओल्ड मेल कंप्लेन ऑफ रिगर्जिटेशन ऑफ सलाइवा एंड इंजेस्टेड बट अनडाइजेस्टेड फूड ए बेरियम रेडियोग्राफ रिवेल से ब्रिक बिक बर्ड बिक डिफॉर्मिटी इन द डिस्टल इसोफेगस वॉट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस ठीक है समझ गए होंगे आप लोग इसका बर्ड वीक डिफॉर्मिटी पढ़ के ही आप लोग आंसर समझ गए होंगे ठीक है चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं अच्छे से ए फोर्टी ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंट विद द रिगर्जिटेशन ऑफ सलाइवा एंड इनजेस्टेड बर्ड अनडाइजेस्टेड फूड एबेरियम रेडियोग्राफ रिवेल से बर्ड बिग डिफॉर्मिटी इन डिस्टल इसोफेगस में अपन को बर्ड बिग डिफॉर्मिटी दिखाई देगी इसोफेगस में वॉट इज द प्रोवेबल डायग्नोसिस क्या क्या ऑप्शन दिया गया है एक्लेसिया कार्डिया पायलोरिक स्टिनोसिस डिओडिनल एट्रेजिया एंड द हाइटस हनिया सो द राइट आंसर इज एक्लेजिया कार्डिया ठीक है इसके बारे में भी आप लोग डिटेल में जा कर के पढ़िएगा ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग हरनिया फॉलो द पार्थ ऑफ द स्पर्मेटिड कॉर्ड विथ इन द क्रीमेस्टिक मसल्स फीमोरल हरनिया डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हरनिया इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हरनिया एंड द अमलाइकल हनिया तो राइट आंसर क्या है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जल्दी से जल्दी बता सकते हैं फोर्टी सेवन का राइट right आंसर क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग हरनिया फॉलो द पाथ ऑफ द स्पर्मेटिड कॉर्ड विथ इन द क्रीमेस्ट्रिक मसल्स कौन सा हनिया है वो इनडायरेक्ट इन हनिया राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री ठीक है डायग्राम के थ्रू इसको समझने की, को की कोशिश कीजिएगा आप लोग ठीक है अभी तुरंत जा कर के देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में वो कौन सा पाथ है स्पर्मेटिक कॉर्ड विथ इन द क्रीमेस्ट्रिक मसल में कौन सा हनिया पास होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट A forty years old smoker presented with pain in the right lower limb, aggravated on walking and the feels better by rest. On examination, limb, limbs become pale on elevation and the changes to red when the limbs is allowed to hang down. The pulsation in right dorsalis paddies and the posterior tibial artery were not felt. The most probable diagnosis is peripheral vascular disease. स्पाइनल स्टिनोसिस डीप वेन थम्बोसिस या इस्पॉन्डोलिथियसिस क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताइए आप लोग फोर्टी ईयर ओल्ड मेल स्मोकर है ठीक है पेन हो रहा है राइट लोअर लिम में एग्रावेटेड ऑन वॉकिंग एंड फील्स बेटर बाय रेस्ट ठीक है ऑन एग्जामिनेशन क्या क्या पता चला अपन को पेल ऑन एलिवेशन एंड चेंजेस टू रेड वेन द लिम्ब इज अलाउड टू हैंग डाउन ठीक है बीका में पेल ऑन एलिवेशन पैर को ऊपर उठाने पर पेल हो जाता है लिम एंड चेंजेस टू रेड कलर का होता है जब पेशेंट बेड के पैर को नीचे हैंग डाउन करता है उस कंडीशन में रेड हो जाता है द पल्सेशन इन द राइट डॉसलिस पैडिस एंड द पोस्ट्रिय टीबियल आर्टरी वी आर नॉट फेल्ड पल्सेशन अपन को फील नहीं होगा इन राइट डॉर्सलिस पैडिस एंड पोस्ट्रियर ट्यूबियल आर्ट्री वी आर नॉट फेल्ड द मोस्ट प्रवल डायग्नोसिस क्या हो सकता है राइट right आंसर है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज राइट आंसर इज ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए नॉट ए फीचर ऑफ फेलाजी ठीक है फेलॉट टेटोलॉजी के बारे में अपन ने पिछले किसी वीडियो में पढ़ा है फ्रेंड इसके बारे में ठीक है तो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए नॉट ए फीचर ऑफ फेलॉट टेटोलॉजी आर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट ओवर राइडिंग एरोटा स्टेनोसिस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो कौन सा फीचर इसमें से नहीं होगा तो राइट right आंसर अपना टिक कर लीजिए आप लोग राइट आंसर क्या है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ठीक है ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन एक्सेप्ट एक्यूट इन्फ्लॉमेशन में कौन से कंपोनेंट होते हैं और कौन से नहीं डायलिटेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स लिब्रेशन ऑफ साइटोकाइनिस डिक्रीज परनेबिलिटी ऑफ माइक्रो वैस्कुलेचर एंड द इमीग्रेशन ऑफ द लिकोसाइड्स फ्राम द माइक्रो सर्कुलेशन तो एकट इंफ्मेशन में क्या नहीं होगा अपना आंसर टिक कर लीजिए राइट आंसर है डिक्रीज पर्नबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर नहीं होगा ठीक है परनेबिलिटी बढ़ जाएगी डिक्रीज नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन वीच ऑफ द फॉलोइंगज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन ग्लैक कैंक्राइड एंड द एंथरक्स ठीक है इसमें से कौन सा है गोनोरिया प्लैक कैंक्रॉइड एंड एंथरेक्स सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर एंथरिक्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है The first stage of Plasmodium in human blood cells characterized by single chromatin masses, is Sporozoite, Merozoite, mi Trophozoite and the Cisinozoite So the right answer is You First stage of Plasmodium in human blood cells characterized by single chromatin mass is Option 3 Trophozoite क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू फॉर द एथ्रोमेटस प्लैग स्टेबल प्लेग हैव ए थीन कैप अनस्टेबल प्लेग हैव ए डेंस फाइब्रस कैप अनस्टेबल ब्लैग हैव ए मिनिमल रिपीड एक्मलेशन एंड द अनस्टेबल प्लेग हैव ए लार्ज लिपिड कोर्स ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू फॉर द एथ्रोमेटस ब्लैग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन फोर अनस्टेबल प्लेग हैव ए लार्ज लिपिड कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर ठीक है मै मैक्रो ओविलोसाइट इज़ ए फीचर ऑफ आयरन डेफिशियंसी एनीमिया मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया ठीक है मैक्रो ओविलोसाइट्स ठीक है इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या क्या फीचर हो सकते हैं इससे पूछ रहे हैं आयरन डेफिशियंसी एनीमिया में देखने को मिल सकता है क्या ये या मैगलोब्लास्टिक एनीमिया में पॉलीसाइथीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोटोपोनिया तो राइट right आंसर क्या है ऑप्शन टू मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेगा ठीक है राइट right आंसर है ऑप्शन टू मैक्रो ओबलोसाइट इज ए फीचर ऑफ मैगलोब्लास्टिक एनीमिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विच टाइप ऑफ एम्फाइजिमा इज एसोसिएटेड विद एल्फा वन एंटी ट्रेप्सिन डेफिशेंसी ठीक है ये तो आप लोग अच्छे से पता होगा सेंट एसिनार पेन एसिनार डिस्टिल एसिनार एंड द इ तो किस टाइप ऑफ फाइजिमा एसोसिएटेड विथ एल्फा वन एंटी ट्रेपसिन में तो कौन सा है वो राइट आंसर है पेन एसिनार राइट आंसर इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स मैथ द फॉलोइंग के क्वेश्चन है एक साइड मेडिसिन है और दूसरे साइड इसमें स्टूल के सिम्टम दिए गए हैं तो मैच करते हैं चलिए सबसे पहला क्या है सीना फॉस्फोरस नेट्रम कार्ब एंड द अर्जेंटम नाइट्रिकम तो सीना में कैसा स्टूल रहता है इधर साइड क्या क्या स्टूल के करेक्टर हैं स्टूल लाइक ए चॉप्ड स्पेनिज येलो सब्सटेंस लाइक ए पल्प ऑफ ऑरेंज इन स्टूल स्टूल्स लाइक ए स्मॉल पीस ऑफ पॉपकॉर्न एंड द स्टूल लाइक ए सैगो पार्टिकल्स ठीक है तो देखते हैं सीना का स्टूल कैसा रहता है स्टूल लाइक ए स्मॉल पीस ऑफ पॉपकॉर्न जैसा रहता है ऑप्शन वन मैच विद द ऑप्शन थ्री सीना का ऑप्शन थ्री ठीक है फॉस्फोरस का स्टूल कैसा रहता है स्टूल लाइक ए सैगो पार्टिकल सैगो जिसे कि अपन साबुदाना कहते हैं उसके जैसा रहता है कार्ब का कैसा रहता है लाइक ए चॉप डिस्पाइनिज ठीक है अर्जेंटम नाइट्रिकम का येलो सब्सटेंस लाइक ए पल्प ऑफ ऑरेंज इन द स्टूल तो राइट आंसर क्या हो गया थ्री फोर वन टू ठीक है इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन मै द फॉलोइंग आप लोग साथ में खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा राइट right आंसर ठीक है तो क्या है इसमें एक साइड मेडिसिन है एंड उसमें सिम्टम है यूरिन के टेरिबेंथ बेंजोइक एसिड नाइट्रिक एसिड ठीक है इंटेंसली यूरिनस ऑर्डर यूरिन स्मेल लाइक ए हॉर्स यूरिन एंड द यूरिन हैज़ ए ऑर्डर ऑफ ऑयलेट इसका आंसर आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए पहले तो सबसे पहले टेरीबेन का मैच होगा यूरिन हैज ए ऑर्डर ऑफ वायलेट ऑप्शन वन मैच विथ ऑप्शन थ्री एसिड में कैसा रहेगा इंटेंसली यूरिनस ऑर्डर रहेगा एंड का कैसा रहता है इसमें लाइक ए हॉर्स यूरिन ठीक है थ्री वन टू इज द राइट आंसर चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट वॉमिटिंग विद कन्वलव गैगिंग एंड इनएक्सप्रेसिबल पेन आफ्टर द लेप्रोटॉमी इज एन इंडिकेशन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन ठीक है बिस्मत सिम्फाइटम स्टेफाइजेरिया एंड नक्स तो ये सिम्टम किस किस मेडिसिन में देखने को मिलेगा क्वेश्चन क्या है फिर से रिपीट करते हैं अपन वोमिटिंग विद कन्वर्जिव गैगिंग एंड इनएक्सप्रेसिबल पेन आफ्टर द लेप्रोटोमी इज द सिम्टम तो ऑफ बिस्मत स्टेफाइजेरिया एंड द नक्स राइट आंसर इज ऑप्शन टू ए सी डी बिस्मत स्टेफाइजेरिया एंड तो द तो नक्स सिंपाइटम में ये सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा ठीक है राइट आंसर इज ए सी डी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं साथ में आप लोग खुद से भी करने की कोशिश करते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन सेंसेशन एज इफ एन एस इज ओपन इज अ प्रेजेंट ऑफ इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा लेकेसिस फॉस्फोरस कॉस्टिकम नेट्रिक एसिड एंड द राइट आंसर इज फॉस्फोरस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन ये कौन सिम्टम और किस में था एलोई सीना ये सब में भी था क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन सिक्सटी द सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंसेस इज ए इंडिकेटिव ऑफ इसका आंसर आप लोग जल्दी से बनाइए कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंसेस इज ए किस मेडिसिन में है अमोनियम कार वराटम एल्बम सैलिशिया एंड द बोविस्ट्रा सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री सैलिशिया में है कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग द मैंसेज नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन मैज द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को मैच करना है स्टैंडमेट कैलकेरिया फॉस काली कार्ब मैक कार्ब एंड अदर साइड है रोटा पल्सटीला कैमोमिला एंड द कार्बोवेज ठीक है तो चलिए मैच करते हैं स्टैंडमेट का क्या होगा पल्सटीला है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कैलकेरिया फॉस की है रूटा काली कार्ब की है कार्बोवेज एंड द मैग कार की है कैमोमिला ठीक है टू वन फोर थ्री ठीक है आपस में क्रॉस मैच होंगे ये लोग तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है उस मेड मेट की पर्सटीला कैलकेरिया फॉस की डूटा काली कार की कार्बोवेज एंड द मैग कार की है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू ठीक है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स ऑप्शन क्या है कर्फ एग्रावेटेड बाय ड्रिंकिंग ए कोल्ड वाटर इज एन इंडिकेशन ऑफ क्यूप्रमेट क्या स्टेटमेंट सही है प्रोलेक्स ऑफ रैक्टम इमिजिएटली ऑन द अटेम्पिंग ए पैसेज इन द करक्टर ऑफ रूटा पेन फ्रॉम सैक्रम टू प्यबीज इन नियरली ऑल द डिस की नोट ऑफ सबाइना एंड देंसीटिवनेस ऑफ बजाइना डेंडरिंग क्वाइशन पेनफुल इज अ फीचर ऑफ लाइसिन तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं य फॉल्स है ठीक है फॉल्स पूछा गया है इसमें कौन से स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है तो राइट आंसर क्या है आप ही लोग बताइए राइट आंसर है ऑप्शन ए ओनली इज द फॉल्स ठीक है पेशेंट को कोल्ड को, कप के दौरान रिलीफ मिलता है कोल्ड वाटर पीने से गुब्रम में इसमें स्टेटमेंट टोंग दिया गया है कप एग्रावेटेड दिया गया जबकि पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन वन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री हेड एक विथ सन्सेशन एज ई बींग लिफ्टेड अप हाई इन टू द एयर एंड ग्रेट एंग्जाइटी फ्रॉम फॉल्स फ्रॉम दिस हाइट इज अ सिम्टम ऑफ ब्राउनिया मेलीलोटस वेटम वेरीडे एंड द हाइपेरिकम ठीक हैड एक विद सेंसेशन एज ई बींग ए लिफ्टेड अप हाई इन टू द एयर एंड द ग्रेट एंग्जाइटी फॉल फ्रॉम दिस हाइट इज अ सिमटम ऑफ हाइपेरिकम ये सिम्टम हाइपेरिकम का है ठीक है सिम्टम को ध्यान से देख लीजिए आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर वेरी फॉरगेटफुलनेस इन बिजनेस बट ड्यूरिंग द स्लीप ड्रीम्स ऑफ वॉट ही हैड फॉरगेटन इज अ सिम्टम ऑफ ठीक है क्या क्वेश्चन है फिर से देखिए वेरी फॉरगेटफुल इन बिजनेस बट ड्यूरिंग द स्लीप ड्रीम्स ऑफ वॉट ही हैड ए फॉर इज अ सिम्टम ऑफ बहुत ही वो भूलने वाले पेशेंट हैं ठीक है अपने बिजनेस के दौरान हर चीज़ भूल जाते हैं लेकिन जब वो सोते हैं तो उनको सब चीज़ याद आने लगता है सपने में कि वो क्या चीज़ भूले थे अपने बिजनेस के दौरान में तो ये सिम्टम किसका है ये है सेलेनियम का राइट आंसर इज ऑप्शन वन सेलेनियम ठीक है क्या क्या ऑप्शन था सेलेनियम सेनिकुला सीपिया एंड द देंगुनेरिया कैंडिनेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव फीवर पेरोक्म सेट सेवन ए एम विथ ग्रेट लॉकिसिटी ड्यूरिंग चील एंड हेट स्टेज इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थूजा पोडोफाइलम कैक्टस एंड द एपी स्मेल इसका राइट right आंसर टिक कीजिए आप लोग राइट आंसर क्या है ये सिम्टम किस में देखने को मिलता है अपन को ये है पोडोफाइलम में राइट आंसर इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स बबलिंग सेंसेशन इन द किडनीज इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा क्या क्या ऑप्शन है बर्बेरिस वलगैरिस कैंथेरिस तारसा परेला एंड द टनी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन वन बर्बेरिस वलगरीज बबलिंग सेंसेशन इज द किडनी इज द बर्बेरिस वलगेरिस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स रिगार्डिंग द करेक्टर ऑफ कफ ठीक है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स इस है इन कैरेक्टर ऑफ कफ में गार्गलिंग साउंड इन क्यूप्रम मेट कफ ड्राई लाइक ए सॉट ड्रिवन थार दाइन बोर्ड इन स्पॉन्जिया मैन्यूड गन कफ ड्यूरिंग डे इन द करलम रूबरम एंड द कर्फ इन थ्री पेरोक्जीस इन द मक्सॉल तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है तो राइट आंसर क्या है कफ इन थ्री पेरोक्सिम्स इन मगसॉल ठीक है मकसॉल में कितने पेरोक्जिम्स होते हैं कैलकेरिया कार्ड में साथ ही साथ एक और कोई मेडिसिन है ठीक है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट स्ट्रेटियस ब्रीदिंग एंड द हॉर्ट प्रस्पारेशन ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट द लोअर लिम्स आर द सिमटम ऑफ नक्स जेलसीमियम ओ ओपियम एंड द एंटीमटार्ट सो so द राइट right आंसर इज ऑप्शन थ्री ओपियम, ठीक है ये सारे सिमटम इसमें देखने को मिलेंगे ओपियम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन कॉन्स्टेंट पेंट पेन अंडर द लोअर एंड द इनर एंगल ऑफ द राइट स्कैपुलाइज द ठीक है इसका आंसर तो आप सभी को पता है फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इसकेब तो ये किसमें रहेगा फॉस्फोरस चैलीडोनियम जेल्सिनियम एंड द सेंगोनेरिया तो कॉन्स्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड द इनर एंगल ऑफ द राइट इज फीचर ऑफ स्केडोनियम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द फीचर थर्स ड्रिंक लिटिल एंड ऑफन इज ए वोमिटेड रिचेज द स्टमक ठीक है ये फीचर किस मेडिसिन में नहीं है ये पूछ रहा है ठीक है डज नॉट हैव द फीचर थर्स ड्रिंक लिटिल एंड ऑफन इज ए वोमिटेड एज सू एज इट रीचेज द स्टमक सेनिकुल्ला आर्सैनिक एल्बम फॉस्फोरस पल्सटीला किस में ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा अपना आंसर आप लोग टिक कर लीजिए राइट आंसर है पल्सटीला में ये सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा सैनिकुल्ला आर्सेनिक एल्बम एंड फॉस्फोरस में ये सिम्टम प्रेजेंट रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट साइडेड रेमेडी इनिमिकल टू लेकेसिस एंड इन एंटीडोड पॉइजनिंग विथ रस एंड स्ट्रिंग ऑफ इंसेक्ट ठीक है क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं एक बार विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट साइडेड रेमेडी इनिमिकल टू लेकेसिस एंड एंटीडोट्स पॉइजनिंग विथ रस एंड स्ट्रिंग ऑफ इंसेक्ट लेकेसिस की इनिमिकल रेमेडी तो याद कर लीजिए आप लोग तो इस इसमें मेडिसिन आप लोग को तुरंत मिल जाएगी साथ ही साथ वो राइट साइडेड रेमेडी है और किसको एंटीडोट करती है पॉइजनिंग विथ रस एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट एपी स्मेल लेकोपोडियम अमोनियम कार्ब एंड द अनिका मोन्टाना तो एनिमिकल रेमेडी कौन सी है लेकेसिस की अमोनियम कार्ब राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री ठीक है इसके थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं इजीली याद रहेगा आपको राइट साइडेड तो बहुत सारी रेमेडिसिन होती हैं लेकिन ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ ये भी एंटी डोट पॉइजनिंग विथ रस एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके थ्रू आप लोग मेडिसिन निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इग्नेशिया इज इनकॉम्पिटिबल विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ठीक है सभी के लिए इनकॉम्पिटिबल है इग्नेशिया लेकिन किसी एक के लिए छोड़ के वो कौन सी मेडिसिन है अपना आंसर टिक कर लीजिए आप लोग कॉफिया नक्सोमिका नेट्रम्यूर एंड द टेबेकम तो राइट right आंसर क्या होगा इनकॉम्पटिबल विथ ऑल बस एक्सेप्ट एक को छोड़ के बाकी सभी के लिए इग्नेशिया इनकॉम्पटिबल है तो कौन से है वो नक्सोमिका के लिए इनकॉम्पटिबल है नेटम्यूर राइट आंसर क्या होगा इसका नेटम्यूर के लिए इनकॉम्पटिबल नहीं है ठीक है बाकी सभी के लिए इनमिकल मेडिसिन है समझिए नक्सोमिका कॉफ़ी एंड टेबिकम लेकिन नेटमय के लिए नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री इम्पोर्टेंस विथ रिलैक्सड पेनिस विथ सेक्सुअल डिज़ायर एंड एक्साइटमेंट इज ए फाउन इन ऑल द एक्सेप्ट ठीक है ये सारे सिम्टम्स सभी में हैं लेकिन किसी एक को छोड़ करके कैलेडियम लाइकोपोडियम सेलेनियम एंड कैंथरीस मे बी राइट आंसर क्या है आप लोग को पता होगा राइट right आंसर है कैंथरीस होना चाहिए क्योंकि बाकी सभी में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं लेकिन कैंथरीस में ये नहीं मिलेगा राइट right आंसर है कैंथरीस देखिए राइट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर मैच द फॉलोइंग एक साइड मेडिसिन है और दूसरे साइड उसमें टंग के सिम्टम दिए गए हैं तो ये भी आप लोग को ईजिली बन जाते होंगे तो चलिए मैच करते हैं आप भी साथ में करते जाइए तो आप लोग को सही आंसर पता चलेगा साथ में देखते हैं वरिटम वेरीडे रस्टॉक्स नेटम फॉक्स एंड द पायरोजिन वरिटम विरिडे के टंग कैसा रहता है टंग वाइट और येलो विथ रेड स्ट्रिक डाउन द दा मिडिल ठीक है तो रेटर्म वीडियो का ऑप्शन टू टंग वाइट और येलो विथ रेड स्टिक डाउन द दा मिडिल रेस्टॉक्स का कैसा रहता है सभी को पता है ट्रायंगुलर रेड टिप टंग रहता है नेटर्म फोर्स में गोल्डन येलो का कोटिंग एट द बेस ऑफ द टंग एंड द पायरोजिन का पाइरी रेड टंग क्लीन स्मूथ एज ए वार्निश तो राइट आंसर क्या हो गया 2143 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेडिसिन इज स्पेशली अडप्टेड टू कम्प्लेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड हुड द सोरी कार्यूबरकुलर ग्रेफाइटिस बेराटा कार्ब सी पी आर एंड द कोनीम ठीक है वो कौन सी मेडिसिन है जो कम्प्लेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड हुड द्र सोरी कैंड ट्यूबरकुलोसिस ठीक है फर्स्ट में क्या है सोरी कैंड सेकेंड में है ट्यूबरकलोसिस चाइल्ड तो वो है बराइटा कार्ब राइट आंसर इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स चेंजेस ऑफ रेमेडी इज रिकमेंडेड वैन मेडिसिन कब चेंज करनी चाहिए अपन को सिम्टम चेंजेस एंड पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग केस इज़ फॉलोइंग हेयरिंग डायरेक्शन ऑफ क्योर होम्योपैथी एग्रावेशन या सिम्टम चेंजेस एंड पेशेंट इज ए इम्प्रूविंग तो किस कंडीशन में अपन को मेडिसिन चेंज करनी चाहिए तो राइट आंसर है सिम्टम चेंज हो रहे हैं लेकिन पेशेंट नॉट इम्प्रूविंग उस कंडीशन में अपन को मेडिसिन चेंज कर देनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन हैनीमन हैज़ ए रिकमेंडेड पैलेटेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट इन बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में पैलेटेटिव ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंडेड करते थे डॉक्टर हैनीमन क्या क्या ऑप्शन है सडन एक्सीडेंट विथ डेंजर टू लाइफ डिसमेनोरिया ठीक है एंड द ट्रू क्रॉनिक डिसीज एंड द इन तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है पैलेटेटिव ट्रीटमेंट किस कंडीशन में अपन को करनी चाहिए सडन एक्सीडेंट विल डेंजर ऑफ लाइफ हो तो अपन को इसमें खुद से कुछ भी नहीं करना चाहिए ठीक है इसमें अपन को एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी होता है इमरजेंसी केस है एक्सीडेंट हो गया अपन इसमें मेडिसिन नहीं दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक ऑफ राइनाइटिस द क्रॉनिक सिम्टम्स आर एक्सप्रेस मोस्ट क्लियरली ड्यूरिंग एक्यूट अटैक एट द एंड ऑफ अकूट अटैक ड्यूरिंग इनडिसन एंड द बिगिनिंग ऑफ एक्यूट अटैक ठीक है पेशेंट क्या है सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक ऑफ एलर्जी क्राइनाइटिस द क्रॉनिक सिमटम आर एक्सप्रेस मोस्ट क्लियरली टू द एट द एंड ऑफ द एक्यूट अटैक राइट आंसर इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिम्टम बाय एक्सेस ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिकेटेड मेडिसिन इन स्केल पोटेंसी सिम्टम एक्सीडेंटल किसे कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन लॉ ऑफ मिनिमम इज ए नॉट एप्लीकेबल इन होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंडसोरा सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिपिलीमियाज प्राइमरी स्टेज ऑफ सोरा एंड स्यूडोसोरा लॉ ऑफ मिनिमम इज़ ए नॉट एप्लीकेबल इन होम्योपैथी ट्रीटमेंट तो किसमें नहीं होगा ये ये होगा प्राइमरी स्टेज ऑफ सोरा में लॉ ऑफ मिनिमम इज़ ए नॉट एप्लीकेबल ठीक है राइट आंसर इज ए प्राइमरी स्टेज ऑफ सोरा राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी वन कैंट एट ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स कंसेप्ट ऑफ एट ऑब्जर्वेशन क्या था याद कीजिए आप लोग किस में था टोटोपैथी एडियोसिनक्रेसी एंड द पेलिएशन एंड द डॉक्टरिन ऑफ सिग्नेचर क्या था एट सिम्टम एट ऑब्जर्वेशन क्या था एवरी मेडिसिन प्रूफ ठीक है वो कौन पेशेंट है जो एवरी मेडिसिन को प्रूफ करते हैं ठीक है तो एट ऑब्जर्वेशन यही था मेरे ख्याल से तो ये एडियोसिनक्रेसी पेशेंट प्री मेडिसिन को प्रूव करते हैं ठीक है तो कैंट के ट्वेल्व ऑब्जर्वेशन आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी टू विच ऑफ नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिसीज वन साइड डिसीज इन डिस मेंटल इमोशनल डिसीज एंड द इंटरमीडियंट डिसीज तो कौन से क्लास है जो क्रॉनिक डिसीज के इंक्लूड नहीं होता है वो है इनडिसन तो वो क्रॉनिक डिसीज़ नहीं होता है वो सडनली एंड एक्यूट होता है तो क्रॉनिक डिसीज़ के अंतर्गत नहीं आएगा वो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एटी थ्री डॉक्टर इन ऑफ बाइटल फोर्स वॉज इंट्रोड्यूज इन विच ऑर्गन ऑफ एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन डॉक्टरिन ऑफ वाइटल फोर्स सेकेंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स तो राइट right आंसर है फिफ्थ ठीक है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज किस में था फोर्थ में था एंड थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड ड्रग डाइनजेशन फिफ्थ में था एंड सिक्स में था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ठीक है तो ये सभी एडिशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा फोर्थ में क्या था थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज फिफ्थ में था थ्योरी ऑफ ड्रग डाइनजेशन एंड वाइटल फोर्स एंड सिक्स में था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फोर फिज ब्रीन ऑर्डर इज ए करेक्टर्स ऑफ बिच मियाज इसका आंसर भी आप लोग को पता होगा साथ ही साथ अपना आंसर टिक भी करते जाइए राइट आंसर ठीक है साइकोसिस सोरा स्यूडोसोरा एंड द सिफिलिस तो फीस ब्रेन डिसऑर्डर किस में देखने को मिलता है साइकोसिस में राइट आंसर इज ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फाइव अल्ट्रेशन अल्टरनेशन ऑफ द रस्टॉक्स एंड द ब्रानिया वॉज डन बाय हैनीमन इन मिजल्स स्काल फीवर टाइफस एंड द कोलेरा किस में करना चाहिए अल्टरनेशन रेस्टॉक्स एंड ब्रायनिया का हैनीमन ने किस में किया था किस एपिडेमिक कंडीशन में वो था टाइफस में ब्राइनिया एंड ठीक है इस बात को याद रखिएगा आप लोग टाइफस नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स में फॉलोइंग के क्वेश्चन फिर से दिए गए हैं रिपर्ट्री ऑफ आई किसकी थी ब्रिज की थी रिपर्ट्री ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन

विथ सेक्शन पार्ट ऑफ़ द बॉडी एंड ऑर्गन ठीक है आई प्रोट्यूडिंग किसने मिलेगा आई फेस विजन एंड द माउथ राइट आंसर क्या है ये फेस में मिलेगा सभी लोग आईज में लगाएंगे लेकिन आईज़ का आंसर नहीं है ठीक है याद रखिएगा फेस में मिलेगा अपन को ये बोनिंग हसन थेरापेटिक पॉकेट बुक में आई प्रोट्यूडिंग फेस में मिलेगा आई में टिक करके मत आइएगा आप लोग ठीक है कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आई प्रोट्यूडिंग में आई में होना चाहिए लेकिन ये फेस के अंतर्गत है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी एट इन द बोगर पोनिंग हसन एन करेक्टर्स एंड रिपर्टी रूबरी एल्कोहलिज्म इज ए फाउंड इन विच सेक्शन ठीक है बी बी सी आर में अल्कोहलिज्म किस में मिलेगा माइंड में सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल्स सर्कुलेशन कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एमेशन इन जनरल्स तो किस में मिलेगा ये राइट right आंसर है माइंड में मिलेगा अल्कोहलिज्म ठीक है आप लोग ये भी समझ सकते हैं ये भी हो सकता है ये भी लेकिन ये राइट right आंसर नहीं है राइट right आंसर है माइंड माइंड नहीं मिलेगा अपन को एल्कोहलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी नाइन इन विच सेक्शन ऑफ बोगर बोनिंग हसन रिपोर्टी विल यू फाइंड द रूबरिक हेयर फॉलिंग आउट इंटायर बॉडी ठीक है ये रूबरिक कहाँ मिलेगा बी में हेयर फॉलिंग आउट इंटायर बॉडी जेनाइडिलिया कंडीशन एंड एग्रावेशन एंड एमेशन इन जनरल स्वेट एंड स्किन तो ये किस में मिलेगा ये मिलेगा स्किन में ठीक है हेयर फॉलिंग आउट इंटायर बॉडी स्किन में मिलेगा नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 90। इन विज सेक्शन ऑफ बी बी सी आर यूरिक एसिड डायथिस बीबीसीआर में रूब्रिक यूरिक एसिड डायथिस कहाँ मिलेगा अपना आंसर टिक कर लीजिए आप लोग लोअर एक्सट्रीमिटीज यूरिनरी ऑर्गन अपर एक्सट्रीमिटीज एंड द कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एमेशन इन जनरल तो यूरिक एसिड कहाँ मिलेगा अपन को ये कंडीशन एंड एग्रावेशन एंड एमोलेशन इन जनरल ठीक है आप लोग सभी समझेंगे कि यूरिनरी ऑर्गन में होना चाहिए लेकिन इसका राइट right आंसर ये नहीं है राइट right है कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एमेशन इन जनरल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन ठीक है ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं मस्कई वोलेटेंस इज ए फाउंड इन द बीच सेक्शन ऑफ पार्टी हेड विजन जनरलीज एंड राइट एक्सट्रीमिटीज राइट आंसर क्या है इसका विजन विज़न में मिलेगा ये ठीक है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू रिगार्डिंग द जेंट्रिक कंकॉर्डेंस रिपर्टी ठीक है इस जेंट्रिक कंकॉर्डेंस रिपर्ट्री में कौन से स्टेटमेंट सही है इट हैज टू वॉल्यूम इट बिलोंग टू क्लास ऑफ रीजनल क्लिनिकल रिपर्टी द सिमटम आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अंडर द इच चैप्टर इट इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर द सिस्टमेटिक रिपोर्टाइजेशन ऑफ ए केस तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है जेनरी कंकॉन्डेंस रिपर्टी में तो इसका आंसर आप लोग टिक कर लीजिए तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन थ्री ठीक है द सिमटम आर अरेंज इन द एल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अंडर द इच चैप्टर ठीक है जेंटी कंकॉन्डेंस रिपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री पीच ऑफ द फॉलोइंग रिपर्टीज इज ए बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर टू द जनरल ठीक है वो कौन सी रिपर्टरी है जो कि बेस्ड है पर्टिकुलर टू जनरल में तो कैंट रिपर्टरी है बोनिंग हसन, थेरापेटिक पॉकेट बुक मिंटन्स यूटेराइन थेरापेटिक एंड द रोमैटिक रेमेडीज बाय द एच ए रॉबर्ट वो पर्टिकुलर टू जनरल कौन सी मेडिसिन है अपना आंसर टिक कर लीजिए राइट मेडिसिन है बोनिंग हसन थेरापेटिक बुक पॉकेट बुक ठीक है बी और कौन कौन सी बुक आती है पर्टिकुलर टू जनरल में इसका लिस्ट याद कर लीजिए आप लोग फिर जनरल टू पर्टिकुलर कौन कौन सी रिपर्टरी आती है इसको याद कर लीजिए आप लोग ठीक है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन जिनको याद होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तो इस तरह से आप लोग की प्रैक्टिस भी होगी साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर पेरोटेड ग्लैंड इज़ ए फाउंड इन द वि सेक्शन ऑफ बी बी सी आर पैरोटेड ग्रैंड कहाँ मिलेगा माउथ में फेस में ईयर्स में या नेक एंड एक्सटर्नल थ्रोट में ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कहाँ मिलेगा ठीक है आप लोग ही कन्फ्यूज़ हो गए कहाँ मिलेगा फेस में भी हो सकता है ईयर में भी हो सकता है माउथ में भी हो सकता है नेक एंड एक्सटर्नल थ्रोट में भी हो सकता है तो राइट right आंसर क्या है ईयर में मिलेगा ठीक है पैरोटिड ग्लैंड कहाँ ईयर में रहता है में रहगा तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा कहाँ ईयर के पीछे रहता है तो वहां पे अपन को ये मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द जार सिमटम रिपर्टरी ठीक है जार सिम्टम रिपर्टरी में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश इन द एटीन हंड्रेड थर्टी टू फर्स्ट एडिशन इन द इज सिक्स वॉल्यूम Boningasan evolution was adapted in its fourth edition and it is also known as the repertory of anti sorry So, the right answer? Kya hai iska? Right answer is option 3. Boningasan evolution was adapted in its fourth edition. Next question: question number 96. A crude mixture of the minerals or organic material, plant or animals in a thin, pasty state and the mah. मास इज नोन एज मैंस्ट्रम मदर टिंचर मैगमा क्या कहेंगे इसे एंड लास्ट ऑप्शन क्या दिया है मर्ग तो क्या कहेंगे इस पेस्ट को अपन मैगमा राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री ठीक है क्रूड मिक्सचर ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल इन थिन पेस्टी स्टेट एंड पेस्टी मास इज नोन एज द मैगमा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन द साइंस और सब्जेक्ट ऑफ द पावर और इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिन ऑन ह्यूमन बींग्स इन हेल्थ एंड डिसीज एंड डीलिंग विद द डायनेमिक एक्शन ऑफ द ड्रग इज इन नोनेस फॉरमेको फोर फॉर्मेकोगोनोजी फॉर्मेकोनॉमी एंड द फॉर्मिको डायनेमिक्स इसको तो आप लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा फॉर्मिको फोर किसे कहेंगे फॉर्मिकोगोनोजी फॉर्मिकोनॉमी एंड द फॉर्मिको डायनेमिक्स ठीक है द साइंस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द पावर और इफेक्ट ऑफ द ड्रग and the medicine on human being in health and disease and dealing with the dynamic action of the drug is known as the pharmacodynamics theek hai route of administration of pharmaconomy hai theek hai बाकी इन दोनों को देख लीजिएगा मुझे confirm याद नहीं आ रहा है लेकिन फॉर्मिकोनॉमी का यही है रूट of administration of medicine ये चारों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और जिनको पता हो comment box में ज़रूर बताइएगा हमें भी पता चले कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट मैज़ द फॉलोइंग एल्कलॉइड से मैच करना है सिकल कॉर की क्या है इमेटिन या इर्गॉटिन बेलाडोना की है ट्रॉपिन ये मुझे पता है सिकल कॉर की है इमेटिन एंड ईपिकॉक नहीं इरगोटिन है इपिकॉक इमेटिन एंड द चाइना की क्विनाडीन ठीक है आई थिंक मैं सही हूँ सिकल कॉर की है इर्गॉटिन बेलाडोना केट डॉपिन इपिकॉक की इमेटिन एंड द चाइना की कनेडिन चलिए मैच करते हैं हाँ सही है ठीक है मेरा भी तुक्का सही लग गया है तो चलिए अपन तुक्का में ही सही करें लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा अच्छे से याद कीजिएगा राइट आंसर यही है ना थ्री वन टू फोर ठीक है सिकल कॉर की है रिकॉर्डिन बेलाडोनो केट्रॉपिन इपी कॉक की इमेटिन एंड द चाइना की क्यूनेडिन नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिपेयर बाय ट्राइचुरेशन प्रोसेस एक्सेप्ट ठीक है सभी को ट्राइचुरेशन प्रोसेस से बनाया जाता है एक्सेप्ट किसे नहीं बनाया जाता लेकेसिस पेट्रोलियम ग्रेफाइटी सिंकोना राइट आंसर है सिंकोना को नहीं बनाया जाता है बाकी सबको ट्राइचुरेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हंड्रेड द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथी फॉर्मा ऑफ इंडिया वॉज पब्लिस्ड इन द इसका आंसर तो आप सभी को पता है और इसके सभी के ईयर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा मैंने बहुत सारे वीडियो में इसके लिए चार्ट आप लोग के लिए बनाया है और चार्ट सभी वीडियो में दिखाया भी है ठीक है फर्स्ट वॉल्यूम से लेकर के एट्थ या फिर टेंथ वॉल्यूम तक भी इसमें हो चुका है तो आप लोग उसको जा कर के देखिएगा ठीक है तो फर्स्ट वॉल्यूम कब हुआ था एटीन हंड्रेड सेवेंटी वन में फिर सेकेंड फिर थर्ड ठीक है इस तरह से है तो राइट आंसर क्या दिया है नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी वन तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे और मैंने भी आप लोग को जो भी पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथ ही साथ रिपीट आप लोग जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स ये आप लोग को एक बार में नहीं होगा इसको कई बार आप लोग देखिए कई बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मैं इसलिए आप लोग को आंसर पहले से नहीं बता रही थी ताकि आप लोग खुद से बना सकें या जब भी ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग अपना आंसर पहले खुद से करेंगे तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आंसर मैं आप लोग को पहले से दिखा देती तो आप लोग आगे पढ़ने में इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए टेक केयर थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर में अभी बहुत सारे स्टेट पीएससी के पोस्ट आने वाले हैं तो उसके लिए अपने प्रिपरेशन जारी रखिएगा